हेलो फ्रेंड्स, टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिस इज़ भूपेंद्र सिंह मेहरा। अगर आपने हमारे टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इसे आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वेरियस मेथड्स, ट्रिक्स या दूसरे प्रॉब्लम्स आदि डिस्कस करते रहते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप इस चैनल को अभी यहाँ पर से या फिर यहाँ पर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में आप मल्टीप्लिकेशन की एक ऐसी फास्टेस्ट ट्रिक सीखेंगे जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कुछ ही सेकेंड्स में कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस ट्रिक को सीखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमें 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसे हम कैसे फास्टेस्ट तरीके से कर सकते हैं ये देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो 23 है इसका हम क्या करेंगे, पहला नंबर ऐसे लिख लेंगे, बीच में एक गैप छोड़ देंगे और लास्ट नंबर ऐसे लिख लेंगे। तो बीच में क्या नंबर आएगा इन दोनों को ऐड करके, तो 2 + 3 = 5, तो यही क्या है इसका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसमें 154 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर वैसे ही लिख लेंगे 1, बीच में क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे 1 + 5 = 6, 5 + 4 = 9 और 4 वैसे ही आ जाएगा। तो यही क्या है इसका आंसर है। तो 154 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1694। तो आपने देखा कितनी फास्ट है ये ट्रिक। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसमें देखिए 6854 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे भी वैसे ही करेंगे, फर्स्ट नंबर आ जाएगा ऐसे ही, 8 + 6 = 14, 14 का 4 लिखेंगे सिर्फ और एक कैरी यहाँ पर आ जाएगा, 8 + 5 = 13, 13 का 3 आएगा और कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पे, 5 + 4 = 9, 9 ऐसे लिख लेंगे और जो बचा हुआ लास्ट नंबर है उसको ऐसे लिख लेंगे 4। तो देखिए लास्ट में हमारा आंसर कितना आता है, 6 + 1 = 7, 4 + 1 = 5, 3, 9, 4। तो 6854 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 75,394। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें ये बड़े से नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे भी वैसे ही करेंगे, पहला नंबर ऐसे ही आता है, 8 + 2 = 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 + 5 = 7, 5 + 7 = 12, 12 का 2 कैरी 1, 7 + 9 = 16, 16 का 6 कैरी 1, 9 + 3 = 12, 12 का 2 कैरी 1 और 3 ऐसे ही आ जाएगा। तो लास्ट में हमारा आंसर कितना आएगा, 9 0 7 8 3 7 2 3। तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सीखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ऐसे ही और फास्टेस्ट ट्रिक हिंदी में सीखने के लिए आप हमारा चैनल अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।